हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर है जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होगा उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स को अगर क्लैरिफाई करते हैं हम, तो यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटेकल्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटेकल्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके जो भी पार्टनर स्ट्रांगली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के हो सकते हैं, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं। और नंबर यहाँ पे 111 10 8 5 10 6 10 10 11 आपको इंजन नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो करंट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेके, इनके माइंड में आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है। यहाँ पे जो कि ब्लैक बिल्ली जो नेगेटिविटी को शो करती हैं और जो कि इग्नोरेंस को शो करती है, इनको लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। इनका दिल करंट में बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, एक्शन लेने का। आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आपके बिना ये कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। डेफिनेटली आपको घर वालों के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस बात का डर लगता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर ये एक्शन नहीं लेते क्योंकि इनको लगता है कि आपके लिए एक्शन लेना, आपसे बात करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इनको डालने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि गलत तो आपके साथ हुआ है, बुरा तो इन्होंने किया है, तो शायद ये कर्मा इनको कब तक मिलता रहेगा और कब तक जो कि इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। ये स्ट्रेंथ का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। जब आपके साथ इनका रिश्ता था तो आपको पता हुआ कि हमेशा आप ही सरेंडर करते थे, आप ही एफर्ट्स लगाते थे, सामने से कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले जाते थे। लेकिन करंट में इनके हाल ऐसे है कि आपके आपसे ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद ये आपके सामने हार चुके हैं। इस तरह के एनर्जी दे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, इनको लगता है कि शायद डेस्टिनी में यही था। इनको व्हील ऑफ फॉर्चून मैच कर रहा है टेन ऑफ सोर्स से, इनको पता है कि इन्होंने आपको टेन ऑफ सोर्स वाला पेन दिया है, इन्होंने आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लिए हैं, और जो कि अब मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अब सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अगर मैंने किसी की ज़िंदगी में इतना पेन उसको दिया है कि शायद ही वो अब किसी रिश्ते के ऊपर भरोसा कर पाए, तो मैं कैसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा कर देगा। इस तरह की एनर्जीज है, इनको डर लगता है। अगर ये आपके लिए एक्शन लेते तो आप इनसे झगड़ा करोगे, हो सकता है कि आप इनके ऊपर हाथ भी उठा दो अगर आप लड़का हो तो, और अगर आप लड़की हो तो बहुत ज़्यादा चीखोगे चिल्लाओगे और सब कुछ पास में उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया वो याद दिलाओगे, तो ये इन सब बातों से डरते हैं। दिल से आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी इन्होंने इस रिलेशनशिप में लाई है, जिसकी वजह से आप रो रहे हो, तरस रहे हो, और जो कि आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते से चली जाए, लेकिन आपके पार्टनर का ऐसे है कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता, तुझे ये बात समझनी होगी, मुझे पता है तुझे इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तू शायद उसको कभी भी मेरे पास देख भी नहीं सकती, मेरे साथ तू उसका फ़ोटो भी नहीं देख सकती, तो तू उसको रियल में मेरे साथ कैसे देख पाएगी। मुझे सब कुछ पता है कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, तू मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मुझे पता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मुझे इस थर्ड पार्टी को लाना पड़ा और जो कि तुझसे जुदा होना पड़ा, लेकिन आज भी मैं तुझी से प्यार करता हूँ, जो कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए आज तक चेंज नहीं हुई है। द वर्ल्ड का कार्ड है, इनका कन्फ्यूजन तो हट चुका है आपको लेके, एक्शन लेना है, बात करनी है, रिश्ता स्टार्ट करना है, लेकिन करंट में इनकी तरफ से आपको एक्शन सेंड नहीं हो रहा है, ये बस थिंक कर रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं बात करने के बारे में, और सोचते हैं तो डर जाते हैं, इस तरह के एनर्जीज है। तो पता नहीं ये कब तक ऐसे डरे डरे रहेंगे, बहुत मतलब कि ये आपसे इतना डरते हैं ना, जब इनका दिल करता है आपसे बात करने का तो आपका गुस्से वाला चेहरा इनके सामने आ जाता है, इसी वजह से आपके लिए एक्शन नहीं लेते।
जब जब इनका एक्शन लेने का दिल जब जब इनका आपके लिए एक्शन लेने का दिल करता है, इनका जो कि आपका गुस्से वाला फेस इनके सामने आ जाता है, तो फिर जो कि अपने आप को रोक लेते और एक्शन नहीं लेते, इस तरह के एनर्जीज़ है। तो हम देखते हैं करंट में आपके पार्टनर आपसे बात क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कॉल मैसेज तो सेंड नहीं कर रहे हैं, ट्रू मैसेज दे रहे हैं, इनके पार्टनर इनसे करंट में क्या बात करना चाहते हैं। द सन, वो आपको बताना चाहते हैं कि यस, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ये आपके साथ बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे एनर्जीज महसूस कर पाते हैं, बचपना कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, लेकिन आपके साथ जब होते हैं तो इनको अपने बचपन की याद आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके साथ महसूस करते हैं। और करंट में आपको यही बताना चाहते हैं कि वो दिल से इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहते हैं, रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपके और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसी वजह से इनके अंदर लालच आ रहा है आपके पास आने का, ये करंट में आपको इस तरह से बताना चाहते हैं। हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपको कब तक आ सकता है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स को इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कब तक आ सकता है। ट्रू मैसेज दें, इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपको आएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता या एक महीना लगेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन में आपको डेफिनेटली सॉरी बोलेंगे। अगर आप इनसे सॉरी बुलवाना चाहते थे, आप चाहते थे कि इनको अपने गलती का एहसास हो, इनको रियलाइज़ हो जो इन्होंने आपके साथ किया है वो गलत था, तो यस डेफिनेटली इनको एहसास हो चुका है और फ्यूचर में आपको सॉरी भी बोलेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता या एक महीना लगेगा इनकी तरफ से आपको सॉरी आने में। ठीक है, और देख लेते हैं, ये आपके बिना बहुत ज़्यादा तरसेंगे फ्यूचर में, रात रात भर जागेंगे और इनको बार बार ऐसा ही फील होगा कि इन्होंने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, और जो कि इनको इस वक्त जस्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक कि आपके पास नहीं आएंगे, आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, और जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं करेंगे, तब तक ये चैन की नींद कभी भी नहीं सो पाएंगे, तब तक ये कभी भी सुकून से नहीं सो पाएंगे और रात भर ऐसे ही स्ट्रेस में जिएंगे। तो जो कि मुझे अच्छे से जीना है तो मुझे तो अच्छा करना ही पड़ेगा मेरे प्यार के साथ, इस तरह का है, इस तरह के एनर्जीज रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, हम देखते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, यस आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है इस रिश्ते से मूव ऑन करने का, लेकिन आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स भी ट्रू है, क्योंकि आप चाहकर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा हो रहा है कि पता नहीं ये बर्डन मुझसे कब हटेगा और ये प्यार का बोझ लेके मैं क्यों चल रही हूँ, आप इस बोझ को उठा उठा के थक चुके हो। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपका अगर मूव ऑन करने का दिल कर रहा है, अगर आपको इस रिलेशनशिप में सेफ्टी नहीं नज़र आ रही है, और अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है, आपके पास अगर बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो डेफिनेटली आप किसी के साथ भी रिश्ता स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको इनका इंतज़ार नहीं करना है तो। ठीक है, आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें जो कि आपको आपके पार्टनर से भी बेटर कोई ऑप्शन मिल सकता है, इस तरह के एनर्जी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पर देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।